नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। देखिए, लालू परिवार में भयंकर लड़ाई लग गई है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव को आरजेडी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कल शिवानंद तिवारी ये बयान देते नजर आए। जी हाँ, उनका यह बयान अब काफ़ी ज़्यादा सियासी पखेड़ा खड़ा कर दिया है। कह सकते हैं सियासी गर्माहट उनके इस बयान के बाद शुरू हो गई है। दरअसल लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है शिवानंद तिवारी के इस बयान पर। कह सकते हैं कि शिवानंद तिवारी ने कल चौंका देने वाला बयान मीडिया के सामने दे दिया और इस बयान को उठाते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा लालू परिवार और आरजेडी पार्टी पर हमला बोला जा रहा है। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव को नसीहत दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह, उनका बयान सामने आया है। अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि पारिवारिक साजिश के शिकार हुए हैं तेज प्रताप यादव। जी हां, शिवानंद तिवारी पहले जो शिवानंद तिवारी ने अभी बयान दिया है उससे पहले जगदानंद सिंह कहते नजर आए थे हु इज तेज प्रताप यादव, मैं नहीं जानता तेज प्रताप यादव को। और आज शिवानंद तिवारी ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि पारिवारिक साजिश का शिकार हुए हैं तेज प्रताप यादव। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद कुमार सिंह इस बाबत, सुन लीजिए। तेज प्रताप जी पारिवारिक साजिश के शिकार हुए हैं, शिवानंद तिवारी जी को बोलने का हिम्मत कैसे हो गया श्री लालू प्रसाद जी के बड़े सुपुत्र पर। जहां तक बात है पारिवारिक साजिश का जो शिकार ये हुए हैं उनको समझ में आना चाहिए कि जिनको वो अर्जुन समझते थे वो दुर्योधन निकले, दुर्योधन से वो सावधान हो, जांचना नहीं करे, रन की तैयारी करे, नहीं तो उनको परिवार और पार्टी सब से निष्कासित कर देगा लोग। तो सुन लिया आपने, अरविंद सिंह साफ साफ कहते नजर आए हैं कि पारिवारिक साजिश के शिकार हुए हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जिसे अर्जुन समझ रहे थे वह तो दुर्योधन निकला। अरविंद सिंह तेज प्रताप यादव को नसीहत देते नजर आए और नसीहत देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि याचना से कुछ नहीं होने वाला है, अब रण की जरूरत है। जी हाँ, युद्ध की जरूरत है। अरविंद सिंह तेज प्रताप यादव को युद्ध की नसीहत देते नजर आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।